देखो इसमें क्या कहा कि एक वायर है कैरिंग करंट ऑफ 8 एम्पियर, 8 एम्पियर का करंट जा रहा है इसमें से, यहाँ से एंटर किया और ऐसे, ठीक है, 8 एम्पियर का करंट है। सेप एज शोन इन द फिगर, सेप आपको दिखा रखी है, रेडियस आर है ऑफ द कर्व पार्ट, इस कर्व पार्ट का रेडियस क्या है, आर दे रखा है, और वायर 100 आंसर आर में दे रखा है, तो रेडियस का कोई मतलब नहीं है इसमें, आंसर किस में दे रखा है, आर के टर्म्स में ही दे रखा है, तो इसने वैल्यू भी दे रखी है, तो इसका कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में पूरे में। द लीनियर पार्ट ऑफ द वायर आर वेरी लॉन्ग, द मैग्नेटिक फील्ड, वेरी लॉन्ग का मतलब ये इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट वायर होगी, बहुत लंबी वायर है, ठीक है, आर वेरी लॉन्ग, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ओ ड्यू टू पार्ट ए बी ऑफ द वायर, ये पूछा है इस ओ पॉइंट पे इस ए बी की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा फर्स्ट पार्ट में, दूसरे पार्ट में पूछा है ओ पे इस डी ई की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये पूछा है फोर्थ पार्ट में ओ पॉइंट पे इस सेमी सर्कल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये पूछा है, और डी पार्ट में क्या पूछा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा है ओ पे, ठीक है। अब देखो ये 3D में है, ये क्या है, 3D में दे रखा है आपको, यानी कि इस केस में एक वायर ये ऐसे है, एक्सिस, एक एक्सिस इधर है और एक एक्सिस क्या दे रखी है आपको ऊपर की तरफ, ये वाली जो एक्सिस है ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये जो दे रखी है आपको जेड एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्स, जनरली हम ये एक्स लेते हैं, ये जेड लेते हैं और ये वाई, बट इसमें जो गिवन है हम वही लेंगे, ये क्या है एक्स, ये क्या है वाई, और ये क्या है जेड, ठीक है, ये तीन वायर है। अब जो वायर है ये वाली ए बी वायर, ये ऐसे आई है, ऐसे घूम के ऐसे जा रही है, मान लो ये ऐसे आई, ऐसे घूमी और इधर जा रही है, समझ में गया, तो यानी कि वायर ऐसे आ रही है तो करंट इधर चल रहा है इसमें, यहाँ पे ये पॉइंट ओ है, तो इसकी वजह से जो करंट होगा इस ए बी वायर की वजह से वो कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ होगा, ये जेड एक्सिस है तो माइनस के कैप होगा, इसकी वजह से कितना होगा नीचे की तरफ, और कितना होगा माइनस के, म्यू नोट आई 4πr, क्योंकि सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना होता है म्यू नोट आई डिवाइड बाय में 4πr, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी माइनस के कैप, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा म्यू नोट आई डिवाइड बाय में 4πr, इस ए बी वायर की वजह से कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी म्यू नोड आई डिवाइड बाय में 4πr इंटू माइनस के कैप, ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड दे रखा है बस, ओनली डायरेक्शन गिवन नहीं है, अगर डायरेक्शन पूछता तो क्या आता माइनस के कैप। अब इस DE वायर की वजह से, DE की वायर तो करंट इधर जा रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेट इधर तो अंदर होगा, इधर क्या आएगा बाहर की तरफ, यानी कि ऊपर आ रहा है, यानी कि जो वायर है वो इधर जा रही है, तो किधर आएगा करंट, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऐसे आई है वायर, ऐसे घूम के ऐसे जा रही है, तो करंट जो है वो इधर जा रहा है, तो इधर नीचे की तरफ ही आ रही है माइनस के कैप ही, जो इन कर्लिंग फिंगर की डायरेक्शन होगी, मान लो इधर जा रही है तो क्या होगी नीचे की तरफ माइनस के कैप ही आएगी, तो इसमें भी क्या आ जाएगी आपके पास माइनस के कैप, समझ में आई है, यानी कि इधर ये मान लो यही है, तो इसमें यहाँ पे निकालना है तो किधर आएगी नीचे की तरफ, या फिर ऐसे ये वायर है तो इसमें क्या आएगी नीचे की तरफ, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, इसकी वजह से भी क्या होगा म्यू नोड आई डिवाइड बाय में 4πr माइनस के कैप, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा म्यू नोड आई डिवाइड बाय में 4πr, इस DE पार्ट की वजह से जो आ रही है वो क्या आ रही है आपके पास नीचे की तरफ, तो इसका आंसर भी DE पार्ट की वजह से कितनी आ जाएगी म्यू नोड आई डिवाइड बाय में 4πr इंटू में माइनस के कैप। अब सेमी सर्कल जो है वो क्या जा रहा है ऐसे, तो ऐसे घुमाओगे तो क्या आएगी डायरेक्शन इधर आएगी, ऐसे करंट जा रहा है यहाँ पे, एक इमेजिन करो सर्कल है तो इसमें ऐसे जा रहा है इधर, तो ये एक्स एक्सिस है तो माइनस आई कैप, देखो इधर ऐसे ऐसे है सर्कल, तो इस केस में इनसाइड होगी तो ये एक्स एक्सिस है तो माइनस के कैप की तरफ आएगा, समझ गए, तो इसका आंसर और कितनी होती है सेमी सर्कल की वजह से म्यू नोड आई बाई 4R, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा म्यू नोड आई डिवाइड बाई में 4R, तो यानी कि इस सेमी सर्कल की वजह से जो होगा वो कितना हो जाएगा म्यू नोड आई डिवाइड बाई में 4R,
और माइनस आई कैप, यही होगा। अब इन तीनों के तो आगे आपके पास आंसर, नेट क्या पूछा है फोर्थ पार्ट में, क्या पूछा है इसने, नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है ओ पे सभी की वजह से, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, सिन एक ही डायरेक्शन में, तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नोड आई डिवाइड बाय में टू पाई आर, ये आ जाएगी आपके पास, और ये क्या आएगी माइनस के कैप के, और ये जो है ये क्या है माइनस आई कैप, दोनों परपेंडिकुलर है या नहीं है, एक आई में और एक के में दोनों परपेंडिकुलर है, ये वाले और ये क्या है दोनों परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो क्या आएगी, म्यू नोड आई डिवाइड बाय में टू पाई आर का स्क्वायर प्लस म्यू नोड आई डिवाइड बाय में फोर आर का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, तो इसको सोल्व करोगे तो ये डी ऑप्शन आना चाहिए, आया या नहीं समझिए, श्योर, यानी कि इसमें 3D में सोचना है आपको, वैसे भी कर सकते हो तो नीचे की तरफ आएगा ये ऊपर जेड एक्सिस, देखो इधर ऐसे करके देखो, इसमें अगर करोगे ये भी नीचे की तरफ आएगा और ये घुमाओगे तो अंदर की तरफ, ठीक है, तो ये आएगा आपके पास माइनस के कैप, ये भी माइनस के कैप में और सेमी सर्कल की वजह से माइनस आई कैप में, तो इसमें मैग्नीट्यूड दे रखा है तो ये सेमी इनफाइनाइट है म्यू नोड आई बाय में 4 पाई आर, इसका भी क्या जाएगा म्यू नोड आई बाय में 4 पाई आर, और ये सेमी सर्कल है तो म्यू नोड आई डिवाइड बाय में 4 आर, और नेट जो होगी इन दोनों वायर्स की वजह से तो के कैप आ रहा है माइनस के कैप और इसकी वजह से क्या है माइनस आई कैप, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर है तो नेट निकालने लिए क्या करते हैं हम, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, आगे समझो।